रिया की सच्चाई आ गई पल्लवी के सामने और दादी करेगी रिया के मकसद का खुलासा। लेकिन आलिया प्रज्ञा को नीचे गिराने के लिए प्राची के खिलाफ रिया के जरिए चलेगी एक बड़ी चाल जिससे हिल जाएगी प्रज्ञा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि जब रिया प्राची को सीढ़ियों से नीचे गिराने के लिए ऑयल सीढ़ियों के पास डाल देगी तभी वहाँ पर दादी और पल्लवी आ जाएगी। और प्राची जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही होगी तभी प्राची की नजर अचानक से ऑयल पर पड़ेगी और प्राची गिरते गिरते बच जाएगी और अपने आप को संभाल लेगी। और प्राची के सीढ़ियों से न गिरने की वजह से रिया को काफी बड़ा शॉक लगेगा। लेकिन दादी को एहसास हो जाएगा कि ये सब प्राची को सीढ़ियों से नीचे गिराने की कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि रिया ने की है। इसीलिए दादी पल्लवी के सामने सबसे बड़े राज का खुलासा करेगी और रिया को कहेगी कि सीढ़ियों के पास तेल तूने ही डाला है ना, क्योंकि अभी अभी तू सीढ़ियों के पास ही थी जब हमने तुम्हें बुलाया। और खुलासा करती हुई दादी पल्लवी के सामने रिया को कहेगी कि तू नहीं चाहती है कि प्राची रणबीर के साथ बैंगलोर जाए, इसीलिए तू सीढ़ियों के पास तेल डालकर प्राची को नीचे गिराना चाहती थी ताकि प्राची के पैर में गंभीर चोट आ जाए और वो रणबीर के साथ बैंगलोर ना जा पाए। यह सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे और पल्लवी दादी को कहेगी कि ये आप रिया के बारे में क्या कह रही हैं, वो ऐसा क्यों करेगी। तब इमोशनल ड्रामा करती हुई रिया कहेगी कि प्राची को अब भी लगता है कि मैं रणबीर को हासिल करना चाहती हूँ और अभी भी मैं पहले वाली रिया हूँ। जिसका जवाब देती हुई दादी गुस्से से कहेगी कि अगर ऐसा होता तो प्राची तुम्हारे साथ रणबीर को बैंगलोर नहीं भेजती और उसके लिए हाँ नहीं कहती। ये सुनकर पल्लवी रिया का साथ देकर दादी को कहेगी कि प्राची आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है, यानी कि आपके दिमाग से खेल रही है। जिसका जवाब देती हुई दादी कहेगी कि हमारे दिमाग से तो ये रिया खेल रही है जो हम सबको और पूरे परिवार को गुमराह कर रही है। यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दादी रिया के बारे में सारा खुलासा करती हुई कहेगी कि रिया अकेली भी बैंगलोर जा सकती है, लेकिन उसने बहाना बनाकर रणबीर के साथ बैंगलोर जाने का प्लान क्यों किया। और कहेगी कि रिया बैंगलोर इसीलिए जाना चाहती है क्योंकि वो रणबीर के साथ समय बिताना चाहती है। और लेकिन जब रिया को प्राची के सरप्राइज के बारे में पता चला कि प्राची भी साथ में बैंगलोर आ रही है तभी रिया ने चाल चल के सीढ़ियों के पास ऑयल गिराकर प्राची को नीचे गिराने की कोशिश की। ये सब दादी रिया के बारे में खुलासा करती हुई पल्लवी को कहेगी जिससे पल्लवी को मन ही मन यकीन हो जाएगा कि रिया पहले वाली ही रिया है, जिस वजह से पल्लवी भी यह फैसला लेगी कि प्राची अब बैंगलोर रणबीर के साथ जाएगी और रणबीर रिया के साथ अकेला नहीं जाएगा बल्कि उसके साथ साथ में प्राची भी जाएगी। यह सुनकर रिया का सारा प्लान फेल हो जाएगा। और लेकिन बड़े राज का खुलासा होगा कि प्रज्ञा को नीचे गिराने के लिए आलिया तनु को कहेगी कि बड़े पेड़ को ना गिरा सको तो उसकी जड़ों को कमजोर करके उसे काट कर गिरा देना चाहिए और कहेगी कि प्रज्ञा को नीचे गिराने के लिए आखिरी बॉल पर छक्का मैं ही मारूंगी। और ये तनु के सामने आलिया की बात और किसी के लिए नहीं बल्कि प्राची के लिए होगी, क्योंकि प्रज्ञा की कमजोर जड़ें और कोई नहीं बल्कि प्राची है, जिस वजह से प्राची को कमजोर करने के लिए और रणबीर प्राची के रिश्ते को तोड़ने के लिए आलिया रिया के जरिए चाल चलेगी, जिससे जब आलिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी तब प्रज्ञा प्राची की वजह से खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। और लेकिन रणबीर प्राची अलग होंगे या नहीं और प्रज्ञा को नीचे गिराने में आलिया अपने मकसद में कामयाब होगी या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।